इस क्लास में हम बात करेंगे सप्लाई ऑफ मनी के कंसेप्ट की। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या होता है कि मार्केट में कितना मनी आएगा, कितने नोट आएंगे। ऐसा क्यों नहीं होता है कि गवर्नमेंट के अगर एक बहुत सारे नोट छाप दें तो सबके पास पैसे आ जाएंगे, फिर दिक्कत ही नहीं, गरीब ही नहीं रहेगा, सबको क्या करेंगे। जैसे राशन बांटते हैं ऐसे बोरे भर भर के मनी बांटने शुरू कर दें, इतना छापे, इतने नोट छापे बहुत सारे, तो ऐसा भी तो कर सकती है ना, बट क्यों नहीं करती है गवर्नमेंट, कुछ तो रीजन होगा ना, लिमिटेड रखती है वहां पे, तो वो सारी हम इस पे डिस्कस करते हैं। एक बार देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। एक हमने पढ़ा था ना स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एक मोमेंट ऑफ टाइम पे कितना हमारे पास कोई सी चीज की क्वांटिटी है, मतलब एक मोमेंट पे हम जो टोटल वैल्यू काउंट कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो बहता हुआ होता है। जैसे हमने एग्जांपल देखा था बैंक में मैं हर महीने 5,000 रुपये जमा कराता हूँ, ये कैसा है फ्लो, कि भाई हर महीने प्रोसेस होता है 5,000 रुपये का, मेरे बैंक में आज 1,00,000 रुपये हैं, सो 1,00,000 रुपीज कैसा है, स्टॉक। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मतलब मैं ये यहाँ पे ये नहीं चेक करता हूँ कि कितना सप्लाई हो रही है कॉन्टिन्यूसली, मैं ये देखता हूँ एट मोमेंट, किसी एक मोमेंट ऑफ टाइम पे मार्केट में कितना पैसा है, उसी को मैं सप्लाई ऑफ मनी कहता हूँ। इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी ऑफ ऑल टाइप, हर तरीके का पैसा, जितने भी अभी टाइप्स ऑफ मनी देखे थे ना, हर तरीके का पैसा जितना मार्केट में, हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जो वहाँ के लोगों के पास है किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। मतलब जैसे मैंने कहा 31 फरवरी को कितने पैसे हैं, ठीक है ना, 31 फरवरी को कोई दिक्कत तो नहीं कैलकुलेट करने में। सर कैसी बात कर रहे हो, 31 फरवरी कब आएगी, कभी भी नहीं, ठीक है। जैसे मैंने कहा 28 फरवरी को का कितने पैसे थे, कितना मार्केट में सप्लाई थी, लोगों के पास कितना पैसा, सो ये क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ मनी। सिमिलरली मैं अगर कह रहा हूँ कि 1 जनवरी को कितना था, तो ये मैं एक मोमेंट पे बात कर रहा हूँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बात कर रहा हूँ। सो सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है, टोटल स्टॉक जितना मार्केट में है, कंट्री में है, एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे, उसी को मैं सप्लाई ऑफ मनी कहता हूँ। सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या क्या नहीं होता है, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, जितना पैसा गवर्नमेंट ने अपने पास रख रखा है उसको कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि मेरा मेन पर्पस क्या है, लोगों के पास पैसे को कैलकुलेट करना, तो गवर्नमेंट का पैसा जो है उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, और जितना पैसा बैंक में है जमा है, सो उसको भी कैलकुलेट नहीं करूंगा, क्योंकि वो भी किसी के पास मार्केट में फ्लो नहीं हो रहा है। सो मेरा मेन पर्पस किससे है, जो पैसा मार्केट में फ्लो हो रहा है, मतलब लोग उसको यूज कर रहे हैं, उससे मतलब है। सो इसलिए मैं यहाँ पे गवर्नमेंट के पास वाला पैसा और बैंक के पास वाले पैसे को क्या कर दूंगा, एक्सक्लूड कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। बिकॉज गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम आर कंट्री आर सप्लायर ऑफ मनी, भाई उनको इंक्लूड नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि वो तो खुद ही सप्लायर ऑफ मनी है। अभी पढ़ेंगे वो कौन होते हैं सप्लायर ऑफ मनी, वही तो मार्केट में सप्लाई करते हैं मनी का। द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लायर ऑफ मनी इज नेवर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द सप्लाई इन द मनी, मतलब मैं हमेशा क्या करूंगा, कभी भी उसको मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा जितना सप्लायर के पास पैसा होता है। क्लियर, डन, एक सेकेंड, डन है ये वाली बात।